इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नगर पंचायत सैद नगली के गांव इकोदा के ग्रामीणों ने गांव में चार दिन से फूटे पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की मांग को लेकर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि नगर पंचायत सैद नगली के गांव इकोदा मोहल्ले के ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर बिजली घर पर पहुंच गए। वहां उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि गांव में करीब चार दिन से विद्युत ट्रांसफार्मर सूखा पड़ा है, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं आने से ग्रामीणों के सामने पेयजल के संकट की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों का कहना है कि भीषण में रात को जागना पड़ रहा है। इस संबंध में विद्युत अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द मोहल्ले में फूके ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की है। वहीं बिजली घर पर तैनात अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जेई को अवगत करा दिया गया है, एक दो दिन में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाएगा। कौन से गांव के रहने वाले हो आज यहाँ जो बिजली घर पर आए हो? कौन से बिजली घर पर आए हो? हाँ, क्या मामला? बिजली ना रही कई दिन से, ट्रांसफार्मर फूट गया। तो आप क्या चाहती हो? उस पर रखा जा रहा है, और क्या चाह रहे हैं? बिजली आनी चाहिए गाँव में, घर तक प्यासे मर रहे हैं। कितने दिन हो गए? चार दिन हो गए आज। तो आज यहाँ प्रदर्शन जो करा है कि किस लिए करा? ये ट्रांसफार्मर कराई करा, बिजली के टाइम अधिकारियों को सूचना दी थी, इसकी सूचना दे दी, सब कुछ दे दी, चंदा तक करके दे दिया। कितने रुपए का? कितने रुपए दिए? कितने रुपए दिए? 2000। किस बात के लिए? जल्दी आने के लिए। नाम क्या आपका? इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।